टेस्टी मटन बिरयानी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप लोग एक बार इस तरीके से मटन बिरयानी कुकर में बनाकर जरूर देखिएगा और इस रायते के साथ सब की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी मटन बिरयानी। इसके लिए मैंने 200 ग्राम मटन ले लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैंने यहाँ पे 4 छोटे आलू लिए हैं जिसको फॉर्क की सहायता से मैं इस तरह से इसमें छेद कर रही हूँ, जो मसाला है वो आलू में अंदर तक चला जाए। अब सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैं ताज़ा दही ले रही हूँ, घर का बनाया हुआ दही है। ये 3 से 4 चम्मच के तकरीबन है, 2 चम्मच के तकरीबन अदरक लहसुन और जीरा का पेस्ट है ये। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच के तकरीबन तीखा लाल डालेंगे, 1/4 से भी कम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने नमक नहीं डाला है, नमक डालने से मटन और जो आलू है वो पानी छोड़ देगा, इसलिए मैरिनेट करते समय इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे। सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर मैरिनेट कर लिया है। आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है इसका। अब इसे हम लोग ढक देंगे। अगर आप फ्रिज में रख सकते हैं तो आप इसे 2 घंटे के लिए फ्रीजिंग करेंगे, और नहीं तो इसे 4 घंटे तक आप इसी तरह से रख सकते हैं। 2 घंटे तक मैंने मटन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। आप देख सकते हैं मटन ने पानी छोड़ दिया है, जबकि मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया था। अब बिरयानी बनाना हम लोग शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 3 अंडों को भी उबाल लिया है बिरयानी में डालने के लिए। तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है, इसमें 1/2 चम्मच के तकरीबन जीरा डालेंगे और जीरा को अच्छे से तड़कने देंगे। 3 तेज पत्ता जिसे हाथों से क्रश कर लिया है, 4 यहाँ पर लाल मिर्च। गैस की फ्लेम कम कर देंगे और इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, जावित्री फूल, लौंग, जीरा, सहजीरा सभी मिक्स है, और इसे कम आंच करके तब डालेंगे। 10 सेकंड के लिए कुकर में ढककर रखेंगे। मैंने 200 ग्राम के तकरीबन प्याज लिया है जिसे मैंने बड़े बड़े स्लाइसेस में चॉप कर दिया है। डालेंगे अच्छे से, प्याज को लाल होने तक भून लेंगे। प्याज को मैं ढक रही हूँ ताकि वो अच्छे से गल जाए और जल्दी ही भून जाए। प्याज यहाँ पर भून चुके हैं। अब इसमें हम लोग अदरक लहसुन और जीरा का पेस्ट डालेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मसाले को 1 मिनट के लिए हम लोग भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो निकल जाए। 1 मिनट मैंने मसाले को भून लिया है। अब इसमें हम लोग मैरिनेट किया हुआ मटन डालेंगे। आलू भी मैं साथ में ही डाल दे रही हूँ ताकि वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेते हैं। 1/2 चम्मच बिरयानी में हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, 2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक मैंने मटन को मैरिनेट करते समय नहीं डाला था, इसलिए नमक थोड़ा ज्यादा डाल रही हूँ। अब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बिरयानी बनाने के लिए 1/2 केजी चावल लिया है, जो घर पर हम लोग नॉर्मल चावल डेली रूटीन में बनाते हैं उसी चावल का मैं यूज करके बिरयानी बना रही हूँ। कई बार होता है कि हम लोग को बिरयानी खाने का तो मन करता है लेकिन हम लोग बिरयानी नहीं बना पाते हैं क्योंकि वो बासमती राइस से बनते हैं, बट मैं इसी नॉर्मल चावल से आपको बहुत ज्यादा टेस्टी बिरयानी बनाकर दिखाती हूँ। मसालों को भूनते हुए 5 मिनट हो चुका है, आलू जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, आलू को हम लोग निकाल लेंगे नहीं तो आलू जो है गल जाएंगे। मटन भून चुका है, अब इसमें हम लोग 2 चौप टमाटर डालेंगे। आप चाहें तो टमाटर की जगह दही भी यूज कर सकते हैं। टमाटर के साथ मटन को हम लोग 5 मिनट के लिए भूनेंगे। और टमाटर भून चुके हैं, इसमें मैं 1 चम्मच के तकरीबन मीट मसाला डाल रही हूँ और 1 चम्मच भरकर बिरयानी मसाला। मीट मसाला ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं। मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मटन का कलर कितना ज़्यादा सुंदर आया है, देखने में कितना ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है। इसे हम लोग 1 मिनट के लिए और भूनेंगे। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, इसमें मैं 1/2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। ये मटन है इसलिए इसको 1 सीटी तक हम लोगों को पकाना पड़ेगा। अगर ये चिकन होता तो ये अभी पक चुका होता। अब इसमें हम लोग 1 सीटी लगा, मटन में 1 सीटी लग चुका है। मटन 80% तक कुक हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग चावल डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1/2 केजी चावल लिया है। चावल को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तेज आंच पर 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे।
चावल 1 मिनट तक फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे। अगर आपने 1 गिलास चावल लिया है तो आप 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। इससे मेजरमेंट जो है एकदम परफेक्ट आएगा, चावल आपके गीले नहीं होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैंने आलूओं को डाल दिया है। अब इसमें हम लोग अंडा ऐड करेंगे। अंडे के बिना बिरयानी बिल्कुल अधूरी सी लगती है, इसलिए इसे डालना बहुत ही जरूरी है। इसमें 3 कटे हुए हरी मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच बिरयानी मसाला। आपको भी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 2 चम्मच देसी घी, देसी घी डालना बहुत ही जरूरी है, इससे बिरयानी मॉइस्चराइज रहती है और बिरयानी का टेस्ट जो है वो काफी ज्यादा अच्छा आता है। बिरयानी में मैंने किसी भी तरह का कलर और आर्टिफिशियल चीजों का यूज नहीं किया है, घर के बेसिक मसालों से ही मैंने ये बिरयानी बनाई है। बिरयानी को हम बिल्कुल भी मिक्स नहीं करेंगे। अगर नमक कम है तो आप इसी समय ही आप टेस्ट करके देख लीजिएगा कि नमक ज्यादा है या कम है, और अगर कम हो तो आप ऐड कर लीजिएगा। बिरयानी में 1 सीटी आने तक हम इसे पका लेंगे। फ्लेम को एकदम मीडियम रखेंगे, हाई नहीं करें नहीं तो बिरयानी जल जाएगी। जब तक बिरयानी पक रही है आइए इसके लिए हम लोग अच्छा सा रायता तैयार कर लेते हैं। बिरयानी के साथ खाने के लिए मैं मिक्स वेजिटेबल रायता बना रही हूँ। इसके लिए मैं 1 खीरा छील लूंगी, 1 टमाटर, 1 प्याज लिया है। सभी चीजों को अच्छे से धो लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 प्याज ले लिया है, इसे मैं बारीक बारीक काट लूंगी। जितना आपसे बारीक हो सके आप उतना बारीक इसे काट लीजिए। थोड़ा सा मैंने खीरा ले लिया है, इसे भी बारीक बारीक हम लोग काट लेंगे। ये रायता बिरयानी के साथ खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। बारीक बारीक धनिया पत्ता काट लेंगे, इससे टेस्ट काफी अच्छा आता है और रायता देखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। 1 टमाटर लिया मैंने, इसे भी बारीक बारीक हम लोग काट लेंगे। 1 हरी मिर्च, इसे भी बारीक बारीक काट लेंगे। आप हरी मिर्च अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, आप चाहे तो 2 भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ 1 ही हरी मिर्च का यूज कर रही हूँ। सभी चीजों को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब हम लोग रायता बनाना शुरू करते हैं। मैंने 200 ग्राम दही लिया है, दही को अच्छे तरीके से हम लोग फेंट लेंगे। दही को मैंने अच्छे तरीके से 2 मिनट फेंट लिया है। अब इसमें जो हमने सब्जियां चॉप की है वो डाल देंगे रायते के लिए। रायते में 1/4 चम्मच सादा नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच काला नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच चाट मसाला डालेंगे, इससे टेस्ट काफी अच्छा हो जाता है। सभी चीजों को अच्छे से रायते में मिक्स कर लेंगे और हमारा रायता बनकर तैयार है खाने के लिए। हमारी बिरयानी भी बन चुकी है, आइए हम लोग इसे सर्व करते हैं। बिरयानी बन चुकी है, आप देख सकते हैं बिरयानी देखने में कितनी ज्यादा सुंदर और टेम्पटिंग लग रही है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, मैं इसे आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए हमारी बिरयानी बिल्कुल खिली खिली बनी है, बिल्कुल भी गीली नहीं है। सारे चावल जो है वो बिल्कुल ही अलग अलग है, जबकि ये हम लोग नॉर्मल चावल से बनाए हैं जो कि हम डेली रूटीन में खाते हैं। अब ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने इसमें बासमती चावल का यूज नहीं किया है और आप इसे आसानी से घर पर बना के खा सकते हैं। मटन बहुत अच्छे से पक चुका है और बिरयानी बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी है। आप लोग इस तरह से बिरयानी बनाकर जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल।